मीठी सेवई बनाने के लिए आपको चाहिए सेवई, थोड़ी भुंजी हुई, शक्कर या चीनी, देसी घी, एक कलछी, पानी, छोटी इलायची और ड्राई फ्रूट। हम पहले एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे, एक कलछी, एक टेबल स्पून, उसमें दो इलायची के दाने, हरी इलायची जो रहती है उसके दाने डालेंगे। थोड़ा सा इसको तड़कने देंगे। जब इलायची तड़कने लग जाएगी तो हम उसमें डालेंगे सेवई, जो हमने पहले से ही लंबी सेवई है और इनको तोड़ के छोटे टुकड़ों में करके रखा हुआ है। अब इसको भूंजेंगे हम अच्छे से, हालांकि ये रोस्टेड हैं पहले से ही, तो थोड़ा सा घी में भून लेंगे जिस तरह हलवा भूंजा जाता है। इस तरह ब्राउन हो गई है सेवई भूनने के बाद। अब हम इसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल के और भूनेंगे। ड्राई फ्रूट भूनने के बाद हम इसमें करीब आधा कप पानी में डालेंगे, नहीं तो ये सेवई जो है बहुत गीली बन जाती है और कम डालने से वो सूखी लगने लगती है। इसके बाद हम उसमें शक्कर डाल देंगे या चीनी और इसको खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे। शक्कर मिक्स करने के बाद हम इसको इस तरह ढक्कन से ढक के 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 1 मिनट के बाद जब ढक्कन खोला तो वो सेवई इस तरह पूरी तरह शक्कर के साथ मिक्स हो गई हैं। सेवई अब खाने को तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसमें और ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं या ड्राई फ्रूट से गार्निश भी की जा सकती है, पर ऑलरेडी इसमें खूब ड्राई फ्रूट डला हुआ है तो इसलिए हम इसे गार्निश नहीं करेंगे। लीजिए, आपकी सेवइयाँ तैयार हैं। बनाइए, खाइए और लाइक कीजिए।